तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काफ़ी टाइम से आप कह रहे थे कि सर प्लीज़ एरर वाली क्लास, ग्रामर की क्लास जो भी है वो भी स्टार्ट करो, तो अब वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी सभी सारी चीज़ें। देखो, जो टाइमिंग के लिए आप बार बार कह रहे हो, तो एक तो इतने टाइम पर मेरा वीडियो आता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, वर्ड गैलरी जिसमें आपको वोकैब मिलता है कुछ डेली न्यूज़पेपर से। इसके अलावा एक ये टाइमिंग होती है 4:15 की, है ना, जिस टाइम पे हम अपना सीजीएल मेंस के लिए कर रहे हैं। अगर ये टाइम पे मिस होता है, तो एक ये टाइमिंग है जिस पे मैं न्यूज़पेपर रीडिंग की वीडियो डालता हूँ, तो इस टाइमिंग पे आपको यही वीडियो मिल जाएगा अगर ये टाइम मिस होता है तो। ठीक है, दूसरी बात, कई बार हो सकता है कि किसी वजह से, किसी काम की वजह से वीडियो मिस हो जाए, क्योंकि घर पे है तो मैंने आपको बता रखा है, घर पे क्या है कि बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर वहाँ पर मिस हो सकता है। ठीक, एक ये जो जिसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा एक बार आपको। दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हो। और हाँ, एक और बात ये कि ये इतना बड़ा चैनल नहीं है जहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप डेली रूटीन पे आ सकते हो, एक बार देख लो चैनल पे आके कोई वीडियो तो नहीं है, तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, अब आपके पास क्या है कि मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर लो और फिर इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर दो। ये जब प्रीमियर चल रहा हो तो इस टाइम पे कर दो, और नहीं तो फिर अगर आपने ऐसे ही रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो फिर वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो, और उसके बाद से मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तो वहाँ से आप देख लेना। चलो, अब मैं मानता हूँ कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और मैं इसके आंसर्स कमेंट कर रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द वर्ल्ड डज नॉट सीम टू हैव आंसर्स टू मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स थ्रोन अप बाय द पेंडेमिक। तो ये जो संसार है प्रतीत होता है, डज नॉट सीम, नहीं प्रतीत होता है, टू हैव आंसर्स, किसके पास आंसर्स हैं, टू मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का, थ्रोन अप बाय द पेंडेमिक, जो फेंकी गई हैं उस पेंडेमिक के द्वारा। इस पेंडेमिक मतलब कौन सी, वो ये कोरोना महामारी के द्वारा। तो थ्रो, थ्रू, थ्रोन होता है, यहाँ पे इस ईडी की जरूरत नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड थ्रोन अप। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने वीडियो पॉज नहीं किया तो एक बार फिर से यहीं पे वीडियो पॉज कर लो, इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर दो, और वापस से जब आंसर कर लो तो फिर वीडियो को प्ले करो और फिर आप आंसर मैच कर लो। द नॉवेल कोरोना वायरस हैड लेड बियरली द फॉल्सिटी ऑफ दिस इमेज। एक इमेज थी कि मतलब हम कोरोना से लड़ लेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये जो नया वाला कोरोना वायरस है, इसने पूरी तरह से खोल के रख दिया है इस इमेज की फॉल्सिटी को। फॉल्सिटी मतलब गलत धारणा को। अब देखो, लेट बेयरली का क्या मतलब होता है, बेयरली तो वो एडवर्ब होता है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, है ना, ऑलवेज, नेवर, तो ये वो बेयरली नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमें चाहिए ना ले बेयर, एक फ्रेज होता है ले बेयर। ले बेयर का मतलब होता है खोल के रख देना, है ना, जैसे बेयर पाँव जो है ना तार नहीं टच करना चाहिए वरना करेंट लग जाएगा, तो नंगे पाँव, समझे ना, तो ले बेयर खोल के रख देना। ले की फॉर्म होती है, एक तो लाई होता है, लाई की फॉर्म होती है लाई ले लेन, ठीक है, और एक ले होता है बिछाना, तो ले लेड और फिर लेड, तो ये वो वाला है लेड बेयर। तो यहाँ पे एलवाइन लगेगा, सिर्फ लेड बेयर होगा, हैड लेड बेयर। क्लियर होगा सभी को? तो पहले का आंसर यहाँ पे था और दूसरे का आंसर यहाँ पे ईडी फॉर्म नहीं था। अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्रीज केमिस्ट्री आर इजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आमतौर पर जो क्वेश्चन में एरर आता है, और ये क्वेश्चन जो आया हुआ था इसमें एरर भी यही था, इस इजियर के साथ मोर लगा के दे दिया था। ठीक है, तो मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, डबल कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, कंपैरिजन वाला कंजंक्शन जो होता है वो टी एच ए एन होता है, टी एच ई एन नहीं होता है, तो सही ऑप्शन था टी एच ई एन की जगह पे टी एच ए एन कर देना। क्लियर? तो ये आपका था, फिर यहाँ पे था, फिर ये था। वेन द प्रोफेसर, ये इसको प्रोफेसर्स कर लो, है ना, वेन द प्रोफेसर्स आर ऑन स्ट्राइक एंड अ नोटिस ऑफ दिस इफेक्ट इज पेस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी गेट, देयर इज नो सेंस टू गो देयर। तो देयर इज नो सेंस टू गो देयर नहीं होगा, देर इज नो सेंस इन गोइंग देयर होगा। ठीक है, देर इज नो सेंस इन डूइंग समथिंग, तो देर इज नो सेंस इन गोइंग, मतलब वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, दैट इज कॉल्ड देर इज नो सेंस इन गोइंग देयर। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट विल रिव्यू ऑफ द सिचुएशन लेटर इन द ईयर। तो देखो, ये जो रिव्यू है ना, रिव्यू, ये ट्रांजिटिवली यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे इस ऑफ का प्रयोग होगा, द गवर्नमेंट विल रिव्यू द सिचुएशन लेटर इन द ईयर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार फिर बोलूंगा, वीडियो को पॉज करो, पांचों क्वेश्चंस पढ़ो, इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में करो, और फिर मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, चलो। मिस्टर मुकेश भटनागर आवर कलीग, जो मिस्टर मुकेश भटनागर है, जो हमारे कलीग हैं, विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। तो देखो, ये जो ही लगा हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा है। क्लियर भाई? मिस्टर मुकेश भटनागर के लिए तो हमें ही की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुकेश भटनागर ही अटेंड करेंगे मीटिंग को, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हमारे लिए जरूरत ही नहीं था, हटा दो। आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट बिफोर वी रीच्ड हिज वेडिंग
विथ ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, वेडिंग में पहुंचने से पहले मैंने अपना असाइनमेंट खत्म कर लिया, याद आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वी थ्री, तो आई फिनिश्ड नहीं होगा, आई हैड फिनिश्ड, क्लियर, आई हैड फिनिश्ड माई असाइनमेंट बिफोर वी रीच्ड हिज वेडिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। समझ में आ गया। चलो अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इनके आंसर्स अभी तक तो ये प्रीमियर में आप आंसर कर रहे हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फाइनली करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड हर सेल्फिश, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट सीरीज जब दूंगा तब दूंगा आपको। तो नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड हर सेल्फिश। और अगला क्वेश्चन है, नॉट ओनली शी रोट द टेक्स्ट बट ऑल्सो रिसर्च द फोटोग्राफ्स। समझा गया। अब देखो दोनों क्वेश्चन क्या है, ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, इसमें क्या होता है, सबको पता है कि ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, आपको देखना होता है कि किसके लिए लगाया जा रहा है। अगर नाउन के लिए लगाया जा रहा है तो नाउन के साथ इनका पेयर बनाओ, अगर वर्ब के साथ लगाया जा रहा है तो वर्ब के साथ, अगर एडजेक्टिव के साथ लगाया जा रहा है तो एडजेक्टिव, मतलब ये होता है सब। अब यहाँ देखो, नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड हर सेल्फिश, ठीक है ना, तो न केवल उसके, न केवल उसका पति बल्कि उसका, उसके पिता भी उसको पाते हैं सेल्फिश। तो या तो यहाँ पे फाइंड्स लिखो या तो यहाँ पे फाउंड लिख लो, दोनों सही हो सकता है, ठीक है। तो मैं, मान लो मैंने फाइंड्स लिख दिया कि नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड्स हर सेल्फिश, ठीक है, तो ये वर्ब का एरर था क्योंकि ये सेकेंड वाले के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगेगी, क्लियर। अब दूसरी बात, अगर नॉट ओनली का प्रयोग वर्ब के लिए हो, देखो यहाँ पे नॉट ओनली का प्रयोग वर्ब के लिए नहीं था, यहाँ पे नॉट ओनली का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए था, यानी कि मतलब नाउन के लिए था, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नॉट ओनली का प्रयोग वर्ब के लिए हो तो फिर नॉट ओनली से अगर वाक्य स्टार्ट हो, सेंटेंस अगर स्टार्ट हो, तो वहां लग जाएगा इन्वर्जन। आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, नॉट ओनली शी रोट द टेक्स्ट बट ऑल्सो रिसर्च द फोटोग्राफ्स, तो यहाँ पे क्या ऐसा है कि ये वर्ब के लिए लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। देखो शी तो एक ही है ना, दो बार ये एक तरह से दिया हुआ प्रेडिकेट देख लो अगर, तो नॉट ओनली शी रोट द टेक्स्ट बट ऑल्सो रिसर्च द फोटोग्राफ्स, यानी कि वर्ब के लिए लगा हुआ है, अगर वर्ब के लिए लगा हुआ है तो इन्वर्जन लगाओ, ठीक है ना। फिर से समझना, ऐसा नहीं है कि नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आप इन्वर्जन लगा दोगे, अगर वो नाउन के लिए लगा हुआ है ना, तो फिर इन्वर्जन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वर्ब के लिए लगा हुआ है और आपने सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट किया है तो वहाँ पे इन्वर्जन लगाओ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड के साथ V1 कर दो, ठीक है ना। तो लिखोगे नॉट ओनली डिड शी राइट द टेक्स्ट बट ऑल्सो रिसर्च द फोटोग्राफ्स। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिस्टली इम्फेसाइज्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियन टू लव वन अनदर। एक बार फिर वीडियो को पॉज कर लेना, फिर इनके आंसर्स कर लेना, फिर वापस से मैच कर लेना, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अपने वीडियो पॉज किया होगा। अब देखो ये इम्फेसाइज करना वर्ब है ना, तो ये नाउन होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट होना चाहिए भाई, आखिर किसको आप सब्जेक्ट बनाओगे। और प्रिस्टली जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, तो इस वजह से इसमें से LY हटाओगे, बनेगा द प्रिस्ट इम्फेसाइज दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस टू लव वन अनदर, क्लियर। अगला देखो, रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशन। तो रमेश इज, अब ये जो इनफ का प्रयोग है ये समझना होगा थोड़ा सा, कि अगर जब भी इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के लिए करोगे तो वो एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होनी चाहिए और वो इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद होना चाहिए। दूसरा, अगर इनफ का प्रयोग नाउन के लिए करोगे तो इनफ हमेशा नाउन से पहले। आई हैव इनफ मनी, ठीक है, इट इज हॉट इनफ। आई हैव इनफ टाइम, इट इज कोल्ड इनफ। समझ आ गया। चलो तो हो जाएगा, रमेश इज स्मार्ट इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, कि उसको इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाए विदाउट एनी रिकमेंडेशन। अगला है, जिम इज अवर्स फॉर यूजिंग केमिकल्स इन द गार्डन। अब देखो अवर्स के साथ फॉर का यूज नहीं होता है, अवर्स टू, जिम इज अवर्स टू, अवर्स टू मतलब अनिच्छुक होना, तो और टू प्रेपोजिशन का काम करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, टू प्लस V1 मत कर देना। तो जिम इज अवर्स टू यूजिंग केमिकल्स इन द गार्डन, ही वॉज कॉट ट्राइंग टू फ्ली द कंट्री। और ही है, दूसरा है, ही फ्लेड टू लंडन आफ्टर एन आर्गूमेंट। अब यहाँ समझना दोनों क्वेश्चन, ठीक है, एक बार और चाहो तो वीडियो पॉज करके इनके आंसर कर लेना इन दोनों क्वेश्चन के, या पढ़ लेना। देखो, ही वॉज कॉट ट्राइंग टू फ्ली द कंट्री, फ्ली का मतलब होता है कहीं से भागना, तो फ्ली द कंट्री, नो एरर, सही है, कंट्री से भाग गया। अच्छा, फ्ली टू या फ्ली इन टू का मतलब हो जाएगा उस जगह पे जाना, कहीं से भाग कर किसी जगह पे पहुंचना, किसी जगह पे जाना।
तो ही फ्लेड टू लंडन आफ्टर एन आर्गूमेंट विथ हिज फैमिली, ये भी नोएडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नोएडा, हालांकि कई बार फ्ली फ्रॉम होता है, कोई ये मतलब आप इसको ओमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फ्ली द कंट्री एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी ही फ्लेड टू लंडन, तो ये भी सही है, ही फ्लेड टू लंदन मतलब लंदन की ओर गया आफ्टर एन आर्गूमेंट विथ हिज फैमिली, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट है, ही डिक्लाइंड फॉर ए सेकेंड ग्लास ऑफ वाइन एंड वॉज कॉल्ड फॉर ए टैक्सी। अब ये क्वेश्चन को देखो, उसने डिक्लाइन किया फॉर ए सेकेंड ग्लास ऑफ वाइन, डिक्लाइन मतलब होता है मना करना, तो किसी ने किसी चीज़ को मना करोगे, क्या मना किया, किसे मना किया, इस तरह से। तो ही डिक्लाइन अ सेकेंड ग्लास ऑफ वाइन, देर इज नो नीड टू यूज प्रपोजिशन फॉर दिस वर्ड डिक्लाइन, बिकॉज डिक्लाइन कैन बी यूज एज ट्रांजिटिव, है ना। डिक्लाइन को आप ट्रांजिटिव वर्ब की तरह, कैन बी यूज एज अ ट्रांजिटिव वर्ब, तो इसको यूज किया जा सकता है ट्रांजिटिव वर्ब की तरह, है ना। तो ही डिक्लाइन अ सेकेंड ग्लास ऑफ वाइन एंड वॉज कॉल्ड फॉर ए टैक्सी। अब एक और एरर इसमें ये है कि टैक्सी को किसने बुलाया होगा, ही नहीं, तो इस वॉज की भी जरूरत नहीं है, तो ही कॉल्ड फॉर ए टैक्सी। तो ही डिक्लाइन अ सेकेंड ग्लास ऑफ वाइन एंड कॉल्ड फॉर ए टैक्सी। एक और क्वेश्चन का एरर जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा, और थोड़ा बहुत सेशन में जो है ना, ये पहली बार इस तरह से सेशन में एरर का डाला था, अभी एक दो सेशन हो जाएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि एरर के सेशन मुझे कैसे कराने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।